नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं, केंद्रीय मंत्री से मिले हैं पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा। मनसुख मांडविया से हुई सुखजिंदर रंधावा की मुलाकात, एक बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री से पंजाब के लिए डीएपी खाद की मांग की गई है। अगस्त महीने के लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग की गई है, तो केंद्रीय मंत्री से तत्काल आवंटन का आग्रह भी किया गया है कि इसका तत्काल आवंटन किया जाए। जो मांग है उस मांग को पूरी की जाए, 2.5 लाख मीट्रिक जितनी मांग की गई है। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ऑनलाइन पर जुड़े। ओपी शर्मा, इस मुलाकात में जो बातें कही गई हैं, जो मांगे रखी गई हैं, क्या उम्मीद अब इसके बाद आगे जताई जा रही है, कब तक डीएपी खाद की जो मांग है उसे पूरा कर दिया जाएगा? इस वक्त पंजाब में जो है वो खरीफ के मौसम की फसल की जो है वो बिजाई चल रही है और सरकार नहीं चाहती कि किसानों किसी प्रकार की दिक्कत हो, इसलिए केंद्रीय मंत्री भी जो सहकारिता मंत्री हैं पंजाब के, उनसे उन्होंने मुलाकात की। दरअसल इस साल जो है अगले साल की शुरुआत में पंजाब में चुनाव होने और ऐसे में यदि डीएपी खाद का अगर किसी भी तरीके से कमी होती है तो हो सकता है वो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाए और चुनाव में हो सकता है कि आखिरी साल नुकसान का सामना करना पड़ जाए, तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष को बैठे बिठाए कोशिश करती है। इसीलिए आज जो मंत्री रंधावा है वो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उर्वरक मंत्री से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि उन्हें जल्द से जल्द 2.5 लाख मीट्रिक टन जो डीएपी खाद है उपलब्ध कराया जाए और मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आश्वासन दिया गया है कि खाद की कमी बिल्कुल होने नहीं दी जाएगी, तो डीएपी खाद की ये मांग की गई है, सकारात्मक बातचीत ये रही है और साथ ही साथ आश्वासन भी इस पर दिया गया है कि खाद की जो मांग है वो पूरी होगी, उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। और बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, जहां पर बिजली समझौते पर नवजोत सिंह सिद्धू का एक बड़ा बयान सामने आया है। अकाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में समझौते हुए, ये कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने, पूरी तरह से पीपीए को खारिज किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सूत्री अभियान का दबाव बनना अब शुरू हो गया है। जितना डोमेस्टिक यूजर है वो त्राही त्राही कर रहे हैं, सस्ती सस्ती बिजली क्यों उपलब्ध नहीं होती? ये सब तो वड्डा अड़िंगा, सब तो वड्डी अड़चन बादल सरकार दे कीते हुए पीपीएज ने, जड़े सरकार दे हितानू लोकां दे हितानू पूरी तरह गलत तरीके नाल, जड़ा वाजिब तरीका नहीं है उहदे नाल खो रहे ने। इस करके ये फॉल्टी पीपीएज सिरे तो रद्द किए जान और जड़ा ये पंज निकाती प्रायोरिटी एरिया इहदे ते हुण बूर पिया, इहदे ते बूर पैना शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति को लेकर एक बैठक की थी, जहां पर इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे। जहां इस बैठक में हरियाणा से सीएम के अलावा शिक्षा मंत्री कुंवलपाल गुर्जर सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर घोषणा का आज एक साल पूरा हो गया है, तो 2020 की पहली वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम जिसको आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा नीति पर चर्चा हुई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने एससी स्कॉलरशिप को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि एजेंसी के एक अनुरोध के बावजूद एससी स्कॉलरशिप घोटाले के मामले का पूरा रिकॉर्ड सीबीआई के साथ साझा नहीं करने के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं और उन लाखों दलित छात्रों को इंसाफ नहीं देना चाहते हैं जिनका भविष्य समाज कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत द्वारा तबाह कर दिया गया है।
ਘੁਟਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਸਰ ਐਜ ਏ ਬਦਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। और कैथल के पोलड़ गांव में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हरियाणा के वाइस चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। कहा कि सरस्वती हेरिटेज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरस्वती बोर्ड का गठन किया था। हरियाणा में जिस जगह से सरस्वती नदी गुजरती है उस जगह पर सुधारीकरण का काम किए जाने से कार्य योजना तैयार की गई है। आपको बताएं कि इसके अलावा धुमन सिंह किरमच ने यह भी जानकारी दी है कि सरस्वती पोलड़ गांव से होकर गुजर रही है, जहां सरस्वती का प्राचीन मंदिर भी स्थित है और सरकार की ये मंशा है कि सरस्वती के बीचों बीच निकलने वाले पुल के दोनों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में इसे विकसित किया जाए और पक्के घाट बनाकर प्राचीन मंदिर से इसे जोड़ते हुए सरस्वती रिवर फ्रंट के माध्यम से इसे भव्यता प्रदान की जाए। और यमुनानगर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए SHO सुरेश शर्मा ने शहर का निरीक्षण भी किया और उन सभी पहलुओं को देखा जिस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि लोग सड़क किनारे अपनी गाड़ियों को पार करते हैं, जिस वजह से वाहनों को निकलने में जगह नहीं मिल पाती है और यातायात बाधित होता है। सुरेश शर्मा ने कहा कि सभी को अपनी अपनी दुकान या मकान या अस्पताल के सामने नो पार्किंग का बोर्ड जरूर लगाना चाहिए, जिससे वाहन सड़क के किनारे खड़े ना हो पाएं और इससे यातायात भी बाधित ना हो। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से भी सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। फरीदाबाद के NIT के विधायक नीरज शर्मा ने गुरुग्राम मेट्रो रूट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक प्रचार पर जमकर अपने विरोधियों पर भड़के हैं। आपको बता दें कि इस रूट में प्याली चौक पर मेट्रो को नहीं दिखाया गया है। ऐसे में विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले लोगों को जमकर आड़े हाथों लिया। विधायक नीरज शर्मा इस कदर विरोधियों पर भड़के कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री अनिल विज अगर हमारे यहाँ विकास करवाते हैं तो ही वो हमारे लिए गब्बर सिंह हैं, अन्यथा वो हमारे लिए गोबर सिंह होंगे। जवाब ये था, ये प्याली पार्क में ट्यूबवेल 4 साल से खराब पड़ा है। मैंने सवाल लगाया जी क्या ये खराब पड़ा है, उन्होंने कहा हाँ, और 8 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगना है। पेड़ पौधे सूख गए, पार्क बर्बाद हो गया। अरे विज साहब फाइल पे यही पूछ लेते कि 4 साल से ट्यूबवेल खराब है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर नौकरी किसकी दे रहा है? 40-50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह महीने के महीने जा रही है नगर निगम से, खराब ट्यूबवेल पे जा रही है, 4 साल से ट्यूबवेल खराब पड़ा है। ऐसे ही विकास करेंगे फरीदाबाद का, जबकि महापौर का एरिया है, ये शहर की प्रथम नागरिक का एरिया है। गब्बर सिंह कहे जाते हैं, आपने कहा गब्बर सिंह कहे जाते हैं ना भैया, मेरे हिसाब से गब्बर सिंह नहीं है। हमारे शहर में कुछ कर देगा तो गब्बर सिंह है, नहीं तो मान लिए तो भैया सुन ले गोबर सिंह है। और बता, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार स्थगित भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसके किसी भी सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। महंगाई हो, किसान आंदोलन सहित तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर अमर सिंह से बातचीत की, इन्हें तमाम मसलों पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने क्या कहना था उनका, देखिए आप। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर अमर सिंह जी, इनसे बात करते हैं। अगर संसद सत्र की बात करें सर, तो लगातार स्थगित हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होने की ज़रूरत है ऐसे हो पाएगी? नहीं, ये देखो, मैं हम लोग बार बार कहते हैं,
हम कृषि पे, पेगासस पे, प्राइस राइज पे एडजॉर्नमेंट मोशन लगाते हैं अपोजिशन, तो उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस देख लीजिए पिछले 8 दिन का, एक दिन किसी बिजनेस जो निकालता है ना, रोज के चर्चा क्या करनी है, किसी पे इन्होंने पेगासस, प्राइस राइज, कृषि का कानून, कुछ कोई भी एजेंडा में नहीं रखते हैं। और वैसे प्रेस में कहते रहते हैं हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। अरे भाई, आप एजेंडा में रखो ना जो पार्लियामेंट में बात होनी है। लोकसभा का लिस्ट देख लीजिए आप, निकलवा के देख दीजिए कि एक दिन भी इन्होंने रखा है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम जब लिख के बेनती करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। प्रेस में बाहर कहे जा रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार तो यही कह रही है कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि सिर्फ हंगामा करने पर। बोल झूठ बोल रहे हैं, उनको बोलिए चलो कल के बिजनेस में डालें, कृषि कानूनों पे चर्चा कल डाल दें, पेगासस पे कल डाल दें। जिस तरीके से सदन के अंदर कागज फाड़कर फेंका गया, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये सही संदेश जाएगा? नहीं, देखो लोकतंत्र की मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन करना चाहिए, मैं उस पक्ष का हूँ। लेकिन सदन चलाने वालों को भी, सब लोगों को भी ये देखना चाहिए, जब 150-200 आदमी वेल में खड़ा है तो उस वक्त कानून क्यों पास कर रहे हो जी, बताइए। 200 से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं सुबह से ही, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो गवर्नमेंट कानून पास करना चाहते हैं उसको पास किए जा रहे हैं, तो विरोध तो होगा ही होगा। आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि सरकार देश को गुमराह कर रही है? बिल्कुल 100%, ये दो मुही सरकार है, हमेशा दो तरह की बात करती है। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कहते कानून नहीं हमको हटाने। शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।